नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुण दीक्षित। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी हार का सामना करना पड़ा। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज करी और वहीं बीएसपी पार्टी इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएसपी पार्टी अब अपने आप को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। शायद यही कारण है मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार आकाश आनंद पार्टी के हित में क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चर्चा है कि इस बार आकाश आनंद कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो मायावती नहीं कर पाई। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संगमित्रा मौर्य का टिकट काटा और संगमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दिया, ऐसे में संगमित्रा मौर्य अब बीएसपी पार्टी में वापसी कर सकती है, शामिल हो सकती है। मैं आपको बता दूं, आकाश आनंद की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रयास करे जा रहे हैं कि इस तरह के नेताओं को शामिल किया जाए जो कहीं ना कहीं वोट बटोरने में कामयाब होते नजर आए। मैं आपको बता दूं, यहां पर संगमित्रा मौर्य बदायूं सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में सांसद चुनी गई थी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अब ऐसी में उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा में। अब कहीं ना कहीं या तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को संगमित्रा मौर्य को टिकट देना पड़ेगा विधायकी का, और अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर संगमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर नहीं आती है, तब संगमित्रा मौर्य यहां पर आकाश आनंद से मुलाकात भी कर सकती है और बीएसपी पार्टी में शामिल भी हो सकती है। अब ये अटकलें क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि देखिए यहां पर मायावती जो है वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के कगार पर है। मायावती जिस तरह से राजनीति क्या करती थी, बिल्कुल एक्टिव दिखा करती थी, कई बार उत्तर प्रदेश में देखिए उन्होंने राज किया, महिला के रूप में सबसे ज्यादा बार वो सीएम की गद्दी पर बैठी। लेकिन अब मायावती बहुत ज्यादा वीक पड़ती जा रही है और शायद उसका कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट यहां पर बीएसपी पार्टी नहीं जीत पाई और पूरे देश में 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी मायावती जीत नहीं दर्ज कर पाती है। ऐसे में आकाश आनंद एक युवा है और कहीं ना कहीं दलित वोट साधने का काम भी करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या आकाश आनंद यहां पर संगमित्रा मौर्य को मनाते हुए नजर आएंगे कि वो बसपा पार्टी में शामिल हो जाए या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।